Assalamu alaikum. Welcome to get CSS PMS preparation. I am going to conduct the interview of Hassaan Zafar. He is a CSS qualifier of 2018. He got 29th position and here he is. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, ji. Kaise hain aap? Allah ka shukr, ji. Pehle to congratulations on your success. Thank you so much, ji. Thank you. Kya feelings hain? फीलिंग जो है वो तकरीबन हर एस्पायरेंट की जो सक्सेसफुल रहा है इस दफ़ा सबकी एक जैसी होगी. इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड और स्पेशली फॉर मी बिकॉज इट वाज माय थर्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट. तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है, काफ़ी अच्छी फीलिंग है. सो काइंडली ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लाइक योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड स्टफ. राइट, ओके. सो माय नेम इज हसान जफर एंड आई डिड माय बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम लम्स. इससे पहले आई डिड माय एफएससी प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज. अच्छा, आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम लम्स आई ब्रीफली वर्क्ड एट अ बैंक. देन आई बीच में अटेम्प्ट्स दी एक दो, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर उस टाइम पे. लेकिन उसके बाद आई जॉइंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. आई एम करंटली वर्किंग देयर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और दिस वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट. और फॉर्चुनेटली जो है इस दफ़ा आफ्टर सिक्स ईयर्स ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल फाइनली जो है वो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू क्लियर द एग्ज़ाम. अल्हम्दुलिल्लाह. हसन, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी ड्यूरिंग सीएसएस रिटन प्रिपरेशन? आई थिंक सीएसएस रिटन प्रिपरेशन में सबसे जो बेसिक स्ट्रेटजी मेरी थी वो ये था कि व्हेनेवर आई स्टार्टेड स्टडिंग अ सब्जेक्ट तो मैं उसका सबसे पहले सिलेबस पढ़ता था और उसके बाद उसके लाइक आई यूज टू टेक आउट प्रिंट आउट ऑफ लास्ट फाइव सिक्स पास्ट पेपर्स. सो वेन एवर आई यूज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ टॉपिक आई ऑल्सो लुक्ड एट द क्वेश्चन दैट वर पर्टिकुलरली बींग आस्क्ड इन द रिटन एग्जाम. तो उससे ये हो जाता है कि थोड़ी सी डायरेक्टेड तैयारी हो जाती है. नॉर्मली सब्जेक्ट्स के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ होता है वो बड़ा जनरल से दिया हुआ होता है कि ये पॉइंट आपने तैयार करना है. बट ये होता है कि अगर आप पास्ट पेपर साथ कवर कर लें और उसको साथ साथ जरा दिमाग में रखें कि अच्छा फॉर इंस्टेंस अगर यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो है वो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो देख लें कि यूएस हिस्ट्री के पास्ट पेपर्स में वो किस तरीके से पूछा गया. तो एटलीस्ट डू प्रिपेयर, मैं यही सजेस्ट करूंगा सबको कि डू प्रिपेयर सम वेरिएशंस ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट. अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड रियली वेल इन माई सेकेंड अटेम्प्ट. अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा थोड़ा सा मैं आई कुडंट स्कोर दैट मच वेल जितना लास्ट टाइम था. लेकिन आई थिंक ये इस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया है मुझे कि पास्ट पेपर्स और सिलेबस इन दोनों को साथ रखें एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, किप्स का कितना रोल है आपकी जर्नी में? किप्स का डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है. मैं गाइडेंस लेता रहा हूँ डॉक्टर शाहिद वजीर से और उसके अलावा किप्स के मैगजीन से भी पढ़ता रहा हूँ. ग्लोबल एज से करंट अफेयर्स वगैरह की तैयारी के अंदर बड़ी हेल्प मिली है. लास्ट अटेम्प्ट में क्योंकि आई वाज वर्किंग ऑलरेडी तो मैं उस तरीके से एकेडमी से इंटरेक्ट नहीं कर पाया था. लेकिन प्रीवियस इंटरेक्शन रही है, गाइडेंस हमेशा मिली है यहाँ से रिटन के हवाले से भी और पर्टिकुलरली इंटरव्यू के हवाले से. तो मैं मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर शाहिद वजीर, उन्होंने बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लिया. आई रिमेंबर के वो मैं बैठा होता तो अचानक से कॉल आती थी कि आपने अपने प्रोफॉर्मा में ये चीज़ लिखी हुई है, इसके लिए ये भी पढ़ जाएं. तो ही यूज टू मैसेज मी कि अच्छा ये चीज़ आप ना इस एंगल से भी तैयार कर जाएं. तो इंटरव्यू के अंदर तो थ्रू आउट डॉक्टर साहब ने जो है ना बड़ी हेल्प की है, मेरे लिए स्पेशल सेशन अरेंज करवाए हैं. मतलब कि वो बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं और आई थिंक इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तो पर्टिकुलरली मैं काफी क्रेडिट दूंगा डॉक्टर शाहिद को और किप्स को. किप्स का एनवायरनमेंट कैसा है? लाइक आप कैसे रैंक करते हो किप्स के एनवायरनमेंट को फॉर न्यू सीएसएस एस्पिरेंट्स या जो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके? बिल्कुल, मैंने ये देखा है कि बड़े इंटरैक्टिव सेशंस है. कुछ सेशंस में बैठा भी हूँ रिटन की तैयारी के लिए और कुछ इंटरव्यू की तैयारी के लिए. बड़ा वो थोड़ा सा तो मैंने देखा है कि रट्टे पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, कोशिश करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए बच्चों के अंदर. क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैं यही दोबारा से एस्पायरेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अब बड़ी ज़रूरी हो गई है. अब यू कांट एक्चुअली क्रैम सर्टन क्वेश्चंस और जाके आप जो है ना उसमें बैठ सकते हैं पेपर में, क्योंकि अब वो बड़ा मतलब डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आपको जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी
आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. आई थिंक किप्स का जो रोल है इस हवाले से वो ये इस तरह से बड़ा पॉजिटिव है कि जो उनके स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो बेहतर होती है काफी. टिप्स एंड टूल्स क्या देना चाहेंगे न्यू सीएसएस एस्पिरेंट्स को? जी, टिप्स एंड टूल्स पर्टिकुलरली देखें, सिविल सर्विस का जो एग्जाम है ये थोड़ी सी टीडियस जर्नी है, थोड़े से परसिवरेंस रिक्वायर्ड है. हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स वो तो विदाउट डाउट, वो तो कहने की भी जरूरत नहीं है. वो तो इतना बड़ा सिलेबस है, 12 सब्जेक्ट्स हैं. अच्छा, बहुत सारे एस्पायरेंट्स इस वजह से, नए एस्पायरेंट्स इस वजह से जो है ना वो डिस्करेज हो जाते हैं कि यार मैंने तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है बैचलर्स में और मेरे तो ये, मुझे तो अब यूएस हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा. तो आई थिंक उससे घबराना नहीं चाहिए, एक नए सब्जेक्ट को नई लर्निंग के तौर पर उसको लेना चाहिए और आई थिंक वो आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा ऐड ही करता है वैल्यू. तो मेरा ख्याल है कि नए सब्जेक्ट से घबराना नहीं चाहिए. बाकी एक किप्स है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं इसके हवाले से. कोई भी नया सब्जेक्ट किसी भी एस्पायरेंट को मुश्किल आ रही हो पेश, तो आई थिंक एकेडमी बड़ी हेल्पफुल है इस हवाले से. एनी एडवाइस फॉर न्यू सीएसएस? आई थिंक बस पुट योर हेड डाउन और जस्ट कीप वर्किंग. ठीक है, कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, हो जाता है आखिर में. ठीक है, आप अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहें अपनी मेहनत में और बस अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, उनसे दुआएं लें, वो भी बड़ी ज़रूरी होता है. और आई थिंक टीचर से गाइडेंस लें. गाइडेंस की इसलिए भी ज़रूरत होती है कि सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे तो एवरीथिंग अंडर द सन उसमें कवर्ड होती है. तो गाइडेड तैयारी इसलिए ज़रूरी होती है. मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशन सच एज किप्स ये इस तरह से बड़ा हेल्प कर सकते हैं कि आपको वो गाइडेंस दे सकते हैं कि अच्छा ये डायरेक्शन में आपने पढ़ना है. Because that is what is being asked in the paper. Because essentially you need to clear the exam. So I think meri sabse badi advice ye hai ki just put your head down, keep working, guidance lete rahe jahan se bhi mile. Life mein hamesha se yahi goal tha? Ji bilkul, aise hi tha. Especially during the last year of my graduation, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ. हमारे कुछ सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह भी थे लाम्स के, उन्होंने भी बड़ा गाइड किया, उन्होंने बड़ा इनक्रेज किया कि हमेशा आप जाएं सिविल सर्विस की तरफ जाएं, बिकॉज बड़ा अच्छा फील्ड है, पब्लिक सर्विस का अपना एक चाहम है. तो आई थिंक काफ़ी अरसे से इट्स बिन तकरीबन 8 साल से तो है एम कि ये करना है. सो फाइनली you are where you want to be. Congratulations again on your success and thank you so much for your time. Thank you.